ह्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। लोकसभा की चुनावी गर्माहट के बीच रेवाड़ी नगरी आज उस वक्त भक्तिमय हो गई जब 1100 महिलाएं बैंड बाजों व ढोल नगाड़ों के साथ अपने सिर पर कलश लेकर निकली। यह कलश यात्रा शहर के मोहल्ला चौधरीवाड़ा स्थित शीतलदास सत्संग भवन से शुरू होकर शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई वापस सत्संग भवन पर संपन्न हुई। दरअसल सत्संग भवन में मां बगलामुखी जन्मोत्सव को लेकर आज से शुरू हुए देवी भागवत एवं चंडी महायज्ञ समारोह के अंतर्गत यह कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं के अलावा भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 12 मई तक चलने वाले 10 दिवसीय इस समारोह के तहत प्रतिदिन दोपहर देवी भागवत पर कथा प्रवचन तथा रात्रि में 7 से 9 बजे तक चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस महायज्ञ के लिए विशाल यज्ञशाला भी तैयार कराई गई है। सत्संग भवन के महंत दुर्गादास महाराज ने बताया कि मध्य प्रदेश के दतिया में स्थापित मां बगलामुखी सिद्धपीठ के बाद पिछले 2 सालों से सत्संग भवन में भी देवी जी की प्रतिमा स्थापित कराई गई है, जहां प्रतिदिन सुबह शाम भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों में बगलामुखी मां के प्रति आस्था को बढ़ाना तथा उन्हें आने वाले कष्टों से छुटकारा दिलाना है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कार्यक्रम का समापन 12 मई को पूर्णाहुति के बाद भंडारा प्रसाद के साथ होगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने की भी अपील की। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। बगलामुखी का मंदिर सत्संग भवन मोहल्ला चौधरीवाड़ा के अंदर 2 साल पहले जो है प्रतिष्ठित हुआ है, और उनके उपलक्ष्य के अंदर हमने आज जो है यज्ञशाला निकाली है, जिसमें हमारी अथाह जो है ना भीड़ थी अनगिनत। ये हमारा 9 दिन तक आयोजन चलेगा। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक पूजा पाठ होगी और 3 बजे से 6 बजे तक सत्संग होगा और रात्रि 7 बजे से 9 बजे तक माँ बगलामुखी महामाई का यज्ञ चलेगा। ये यज्ञ हमारा बगलामुखी जन्म उत्सव जयंती तक रहेगा और 12 तारीख को प्रातःकाल 10 बजे पूर्णाहुति होने के बाद माँ बगलामुखी का भंडारा प्रसाद जो है सबको प्रसाद दिया जाएगा। 1100 महिलाओं ने कलश उठाए हैं, यहाँ से कहाँ से कहाँ तक यात्रा निकाली? 1100 महिलाओं ने जो ये कलश उठाए हैं, ये यहाँ से गोल चक्कर गोकर गेट घंटेश्वर महादेव मंदिर पुरानी अनाज मंडी से होते हुए सत्संग भवन के प्रांगण के अंदर पहुंची है। और विशेष रूप से किन किन लोगों ने शिरकत की है इसके अंदर? सबसे बड़े तो हमारे प्रधान रमेश यादव शर्मा जी, पंडित बैटल वर्क्स वाले पंडित बैटल जी वाले है, नीरज भारद्वाज, नीरज गर्ग जी, और इसमें हमारे जो है ना माननीय कप्तान अजय सिंह यादव जी की धर्म पत्नी शकुंतला जी भी इस कलश यात्रा के अंदर थी, और भी अनेकों भक्त, हजारों अनेकों भक्त जो है श्री कृष्ण जो है अमित यादव जी गोकलगढ़ वाले, ये सारे हमारे साथ थे। जन्मोत्सव के अलावा और क्या कुछ उद्देश्य है इस कार्यक्रम के पीछे? इस हमारा उद्देश्य के ये कि भक्तों के अंदर माता रानी के प्रति प्रेरणा उत्पन्न हो, भक्ति करें, भजन करें और सबके कष्टों का निवारण होने के लिए बगलामुखी माई का महत्व है। मध्य प्रदेश के बाद रेवाड़ी में भी स्थान यहाँ बनाया गया है, किस तरह की आस्था यहाँ श्रद्धालुओं में देखने को मिल रही है? मध्य प्रदेश माँ बगलामुखी का दतिया के अंदर जो है कांगड़ा जी के अंदर मंदिर है, उसके पश्चात यहाँ बनाए, यहाँ दतिया से भी आचार्य जी आए हैं और यहाँ पर जो है ना विशेष उत्सव आनंद और भक्तों को आनंद कृपा देने के लिए माँ बगलामुखी का प्रधान रमेश शर्मा जी और नीरज भारद्वाज जी और अजय त्री जी के कहे अनुसार जो है उनकी प्रेरणा से हमने माँ बगलामुखी का यहाँ पर जो है मूर्ति प्रतिष्ठित कराई है।